नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास जनरेटेड में। आज मिलेगा आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स इन SI यूनिट बाय RK राजपूत। एक्चुअली दोस्तों बता दूं आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स की अलग बुक आती है, फ्लूइड मशीनरी की अलग बुक आती है, हाइड्रोलिक मशीन्स की अलग बुक आती है, लेकिन ये जो बुक है जिसे आप इसकी मोटाई देख पा रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है इन सब बुक्स का। अगर आप फ्लूड के जो पोर्शन को एक ही पुस्तक में फिनिश करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानदार बुक है, शानदार बुक है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो अगर आप पीछे प्राइस टैग देखते हो तो 950 रुपये का इसका MRP आपको देखने को मिलता है, और ये आपको लगभग लगभग 600 से लेके 800 रुपये के बीच की देखने को मिल जाती है मार्केट से। लेकिन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट साइट से परचेज करते हैं तो इस पर डिस्काउंट बहुत कम मिलता है और आप काफ़ी घाटे में इसको खरीदते हैं, काफ़ी महंगी आपको पड़ जाती है। तो बात करते हैं, अगर आप कहाँ से खरीदनी चाहिए तो आपको अच्छी मार्केट से खरीदनी चाहिए जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सके। बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ पेजेस की। तो आपको इसमें नंबर ऑफ पेजेस जो देखने को मिलते हैं वे मिलते हैं लगभग लगभग, थोड़ा सा बता दे आपको, ये जो नंबर ऑफ पेजेस है ये मिक्स फॉर्म में है। देखो 1008, जैसे दूसरी बुक स्टार्ट हो गया, दूसरा पोर्शन स्टार्ट होगा, तो नंबर ऑफ पेजेस को थोड़ा सा यहाँ पर अलग से बना दिया गया है। तो नंबर ऑफ पेजेस जैसे हमने काउंट किए तो लगभग लगभग 1500 के अप्रोक्स इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू। तो एस चांद द्वारा ये पब्लिश बुक है, एस चांद के द्वारा लिखी पुस्तकें काफी अच्छी होती है, मल्टी कलर एडिशन है, यानी कलर्ड बुक है पूरी की पूरी। जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो प्रीफेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आपको नए चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं जिसमें गेट और UPSC एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। थोड़ा आगे चलते हैं पैटर्न देखने के लिए। यहाँ पर न्यूमेरिकलेचर दिए गए हैं, किस सिंबल से किस टर्म को हम डिनोट करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको कंटेंट्स मिलता है, और कंटेंट्स में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हर एक टॉपिक को बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चैप्टर के अंदर के टॉपिक को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जो आपको ही थोड़ा बोरियत होगी इसको देखने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। इसी प्रकार आप आने वाले पेजेस का भी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं चैप्टर की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो फ्लूइड मशीन्स का है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद इसके अंदर चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस, बायंसी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस, फ्लो थ्रू ओरिफिसेस एंड माउथपीसेस, फ्लो ओवर नोचेस एंड वियर्स, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, बाउंड्री लेयर थ्योरी, फ्लो अराउंड सबमर्ज बॉडीज, ड्रैग एंड ड्रिफ्ट, कंप्रेसिबल फ्लो। और यहां पर आपको देखने मिलता है यूनिफॉर्म फ्लो, जो फ्लो इन ओपन चैनल्स, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहां पर पार्ट वन फिनिश हो जाता है। पार्ट टू हाइड्रोलिक मशीन से यहां पर शुरू हो जाती है। इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या आपको देखने को मिलता है, इंपैक्ट ऑफ फ्री जेट्स, इसके बाद हाइड्रोलिक टर्बाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, मिसलेनियस हाइड्रोलिक मशीन्स, वाटर पावर डेवलपमेंट, फ्लूइड्स एंड यूनिवर्सिटी। देखो जो लास्ट के दो चैप्टर बड़े कमाल के, बड़े शानदार है, जो एडिटिंग की जरूरत भी है। यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन लेटेस्ट विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। गेट एंड UPSC एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विद आंसर सॉल्यूशन लेटेस्ट सिलेक्टेड, कॉन्वेंशनल भी मिलते हैं आपको, मल्टीपल चॉइस भी मिलते हैं, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, लास्ट में आपको इंडेक्स देखने को मिलता है। तो ये था कंटेंट्स क्या क्या आपको इस बुक में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के जो पैटर्न क्या है चैप्टर का, क्या डिजाइन किया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है। इधर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कुल 9 हेडिंग इसके अंदर है, 10 हेडिंग यहाँ पर है टोटल है। उसके बाद आपको हाईलाइट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थियोरिटिकल क्वेश्चन, अनसोल्व एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो पैटर्न की बात कर लेते हैं,
कलर्ड में थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है याद करना समझना। जैसे पहले हेडिंग है, इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशंस होगी, इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी, उनको इटैलिक फॉर्मेट में लिखा गया है, बोल्ड फॉर्मेट में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको पढ़ना ईजी लगे। मान के चलो आपको एक पूरा पेज भर दिया थ्योरी से रिलेटेड, आपको पढ़ना थोड़ा सा बोरियत महसूस हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक लाइन वाइज दे दिया, पॉइंट वाइज दे दिया या पैराग्राफ वाइज दे दिया, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पर बन जाता है। ये नेक्स्ट हेडिंग है, ये हेडिंग्स दी गई है। जैसे एक हेडिंग फिनिश होती है तो उसके बाद उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, जिससे कि आप समझ सको कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूला आया उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी प्रकार जो नेक्स्ट हेडिंग है उससे रिलेटेड जो बीच बीच में आपको नोट देखने को मिलेगा, ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट के द्वारा आप कॉम्पिटिशन के जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। कोई भी नया हेडिंग आया उसका नोट आ गया, ठीक है। आगे आप चलते हैं तो हेडिंग्स आ गई, उसके बाद फिर से एग्जाम्पल्स आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में न्यूमेरिकल हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो और इन एग्जाम्पल्स से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो हेडिंग दे दी गई और जहां पर एग्जाम्पल्स चाहिए वहां दिए ही गए हैं और काफी मात्रा में दिए गए हैं ताकि आप भरपूर प्रैक्टिस कर सको। इसमें जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपको किसी और बुक पर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है ना। नया हेडिंग यहाँ पे शुरू हो गया है और उसके बाद इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। फिर नया हेडिंग आ गया है, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर हेडिंग, फिर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फिर हेडिंग दी गई है, फिर इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। डायग्राम का अच्छा प्रयोग किया गया है। उसके बाद वेब प्रिपरेशन लास्ट हेडिंग है। उसके बाद आपको एक समरी देखने को मिलती है, जो जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, और समरी को टेबल की फॉर्म में दिखाया गया है। इसके बाद हाइलाइट्स दी गई है। देखो, समरी टेबल्स में आपको सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, उनकी डायमेंशंस मिलेगी, उनका यूज यूनिट सब मिलेगा, और हाइलाइट्स में आपको पूरे चैप्टर का रिव्यू मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस बड़े चैप्टर को, आपको बस समरी को दोहराना है, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। हाइलाइट्स के खत्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर अनसोल्ड एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, और साथ में ब्लू कलर में इनके आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसको मैच कर सके। तो यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, शुरू में ऑब्जेक्टिव, बीच बीच में हेडिंग, उनके बीच में जहां एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो समरी दी गई है, इसमें सारे फॉर्मुलाज ऐड किए गए हैं, लास्ट में हाइलाइट्स, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिर प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स आपको दी गई है। तो ये सारे चैप्टर्स का यही फॉर्मेट रहेगा। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे लेंदी लेंदी एग्जाम्पल्स भी है, जिससे कि आप कॉन्वेंशनल एग्जाम की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 9 से आपके गेट और यूपीएससी के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वे दे देखे, जैसे आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये दे दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस को दे दिया गया, प्रैक्टिस कर सकते हैं किस प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स आपको मिलते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, थोड़ा नॉलेज लेना ही है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आईएएस या फिर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर एसएससी जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। लास्ट में आप देखते हैं, आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसमें कि सारे टर्म्स दी गई है। जिस टर्म्स का आपको मीनिंग नहीं पता उसे सामने पेज नंबर दे कीजिए, उसके पास चल जाइए और वहां पर उसके बारे में पूरी नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स बाय आर के राजपूत। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।